नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हो रही है, जिस परीक्षा का इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा है। ये परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस की। इसमें जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है, टोटल पद हैं 60,244 पद। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती में करीब करीब 48 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेने वाले हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के बाहर से करीब 6 लाख लोग आने वाले हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है, ये 5 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज पहले दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया गया है और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें कोई भी अभी तक घोटाला, कोई भी पेपर लीक की खबर नहीं आई है। इसमें कुछ छुटपुट घटनाएं करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उसको प्रशासन इतना चौकन्ना था कि उसको पकड़ लिया गया। ये वही पुलिस भर्ती है जिसमें फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और पेपर लीक हो गया था। उससे लाखों लोगों का सपना एक तरह से टूट सा गया था, वो बिखर से गए थे। लेकिन अब दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है और इतने इसमें चौक चौबंद है सारी चीज़ें, प्रशासन इतना टाइट है कि कोई गलती से भी नहीं सोच सकता है कि इसमें कुछ पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों, इसमें छात्रों के लिए निशुल्क बस की सुविधा दी गई है, उसमें कोई किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना है। स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं। और अगर हम बात करें अगल बगल के राज्यों की, तो करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी तो सिर्फ बिहार से आने वाला है, करीब 1 लाख मध्य प्रदेश से, 1 लाख के आसपास राजस्थान से आने वाला है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी परीक्षा है, सोचिए इसमें 48 लाख के आसपास करीब अभ्यर्थी होंगे जो शामिल होंगे। पद भी 60,244, मतलब इतने ज़्यादा पद हैं, सोचिए। अब अगर इसमें अच्छे क्वालिटी के जब स्टूडेंट शामिल होंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनको जब जॉब मिलेगी, तो ये समझ लीजिए कि अगले 30-32 साल उत्तर प्रदेश के लिए वाकई भी ये सेवा करेंगे अच्छे से। ये नौजवान जो आएंगे, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए एसेट साबित होंगे। हालांकि एक रिपोर्ट अभी ये निकली है कि जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड का करीब 157 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है अभी तक की चुनाव की प्रक्रिया में। तो दोस्तों, ये 157 करोड़ रुपये तो ज़रूर खर्च हुआ है, लेकिन इससे प्रदेश को करीब अगले 30-35 सालों के लिए एक ज़बरदस्त तरीके का एसेट भी मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है, विपक्ष के जो लोग हैं वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इसमें कुछ अप्रिय घटना हो जाए, ऐसा देखने को मिला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं यासिर शाह, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी चीज़ें फैला दी जिसमें ये था कि पेपर लीक हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इनके ऊपर तुरंत ही जो परीक्षा का भर्ती बोर्ड है, उसने एक्शन लिया और इनके ऊपर FIR करा दी। लेकिन दोस्तों, ये FIR तो ज़रूर करा दी गई है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि इस तरह की कोई भी केस हो, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अब सोचिए, ये करीब 48 लाख तो अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी फैमिली को मिला लिया जाए तो करीब करीब 2 करोड़ लोगों के साथ सीधे से जुड़ा होता है। अब इस परीक्षा में अगर कुछ भी होता है तो इसका असर सीधे सीधे 2 करोड़ लोगों पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब सोचिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है, कितना लोग मायूस हो जाएंगे, कुछ हो सकता है कि गलत कदम उठाने लगें लोग, ये सब चीज़ें तो गलत हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इनके ऊपर FIR कर दी गई है, लेकिन अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए था गिरफ्तारी का। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इनकी अच्छे खासी मतलब खातिरदारी करनी चाहिए थी, फिर इनको साथ में ले जाना चाहिए था, ताकि पता तो लगे कि गलत चीज़ गलत होती है, आपको गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ गलती हो जाए और किसी तरह के सरकार की बदनामी हो जाए, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, आप सिर्फ सरकार की बदनामी के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप उन
कैंडिडेट्स के बारे में सोचो जो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं। ये एग्ज़ाम उनके जीवन को बदलने के लिए है। अब सोचिए जिनको जिन विद्यार्थियों को जॉब मिलेगी उनके जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये इन नेताओं को सोचना चाहिए। और ये वही नेता हैं जिनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, माताजी सांसद रह चुकी हैं, जबकि ये इतने जिम्मेदार लोग होते हैं और फिर ये सोचे गैर जिम्मेदारी वाला इन्होंने काम कर दिया। ये कितनी ही गलत बात है। 5 दिनों में 1 दिन तो संपन्न हो गया है, वो भी अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें इनको कठोर कदम उठाने चाहिए। सिर्फ FIR कर देने भर से बात नहीं बनने वाली, इसमें तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो एक नज़ीर साबित हो कि कोई भी गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। आपको बता दें कि इसमें हालांकि सरकार ने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए हैं, इसमें जो जांच हो रही है ये AI टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, उससे उनकी पहचान करी जा रही है और हर एक 12 बच्चे के ऊपर एक टीचर को लगाया गया एग्ज़ाम कराने के लिए। मतलब 12 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ऊपर नज़र रखने के लिए एक व्यक्ति है हर 12 बच्चों के ऊपर। तो इससे ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। आपको बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई नीचे नीचे के लोग सारे एग्ज़ाम कराने में लगे हुए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन पूरे प्रदेश भर में ज़मीन पर दिख रहा है, एग्ज़ाम जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ दिख रहा है। DGP उत्तर प्रदेश के, जो सोचिए वो खुद प्रशांत कुमार जी खुद सेंटर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव है और किसी भी तरह की वो चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी इस पर साख लगी हुई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को इससे पहले जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और वो पेपर लीक हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती सी महसूस कर दी। तो ये तो था सरकार के पक्ष पे, और इसी के साथ जो छात्रों के साथ समय व्यतीत हो जाता है उनका, उनकी उम्र बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इसलिए योगी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ दोबारा रिपीट हो और किसी भी तरीके से सरकार की बदनामी हो और लोगों के प्रति गलत मैसेज चला जाए, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं और पूरे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ज़रा सी भी चीज़ करती है, जैसे कि सॉल्वर गैंग हुए या किसी भी तरीके से जो लीक करने वाले लोग हैं, इनके लिए ज़बरदस्त तरीके से कानून को बना दिया गया है। और ये जो कानून बनाया गया है, ऐसा कानून तो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है जितनी ये कड़ा है। अब ये सोचिए अगर कानून कड़ाई से पालन होगा तो ज़रूर उसका असर तो ज़मीन पर दिखेगा। तो आज पहला दिन है, कम से कम ये असर तो दिख रहा है कि कोई कहीं एग्ज़ाम में नकल की कोई संभावना नहीं दिख रही है, और पेपर लीक का तो अभी नाम नहीं सुनने को आया है। अब ये अगले 4 दिन और अच्छे से निकल जाए तो समझ में आए कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम की ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिर उसके बाद रिजल्ट की तरफ देखना होगा कि रिजल्ट में जो मानक हैं उसके हिसाब से वो देते हैं या नहीं है, उसमें सब कुछ अच्छा हो तब ये माना जाएगा कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ा काम को अंजाम दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसमें सारा प्रशासन और सारा अमला लगा हुआ है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, किसी भी सरकार की सफलता वही होती है जो बिना किसी विवाद में पड़े हुए भर्ती को निकाले और उसको पूरी तरीके से कंडक्ट कराए और लोगों को नियुक्ति पत्र तक पहुंचाए और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराए। जब ये सारे काम पूरे हो जाते हैं तो वो किसी भी सरकार के लिए एक सफलता होती है, क्योंकि इससे सिर्फ आप उस दिन के लिए काम नहीं कर रहे होते, इससे आने वाले कई दशक के लिए आप काम करते हो। क्योंकि जब एक व्यक्ति को जॉब मिलती है तो कम से कम वो 25 से 30 साल 35 साल तक के लिए जॉब को करता है, तो वो एक प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए, एक मजबूत बनाने के लिए 30-35 साल काम करता है, प्रदेश की भलाई के बारे में सोचता है। तो ये एक चीज़ जो होती है, ये पूरे प्रदेश के लिए एक एसेट होते हैं, देश के लिए एक एसेट होते हैं, मतलब ये समझ लिए कि वो हर तरीके से काम आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो। अब ये सोचिए उत्तर प्रदेश की सरकार ये जो कर रही है, ये उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और ये अच्छा लग रहा है देख कर के। आज दो
जो पालियों में एग्ज़ाम होने थे दोनों ही पाली के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। अगले 4 दिन और कुशलतापूर्वक निकल जाएं तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठ को वाकई थपथपा सकते हैं फिर, अगर कोई कमी नहीं पकड़ी जाती है। और इसमें कुछ भी करके ये 5 दिन तो अच्छे से निकलना ही चाहिए, और विपक्ष के जो लोग हैं इनको भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य की बात है, प्रदेश के भविष्य की बात है। जो भी ये बच्चे हैं आखिर है तो हमारे ही, इनका भविष्य अच्छा होगा तो बनी हुई बात है, ये हमारे ही काम आने वाले हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये परेशानी में रहें और हम इनको ऐसे छोड़ दें। तो विपक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए, आज वो विपक्ष में, किसी समय वो भी सत्ता में थे, तो क्या वो जब सत्ता में थे तो वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम लीक हो? उस वक्त वो नहीं चाहते थे। तो आज जब विपक्ष में आ गए तो वो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? अगर लीक हुआ है तो बताइए, लाइए सामने, रखिए, आप सबूत दीजिए, आप ये चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। जब आप सत्ता में थे तो आपकी सोच दूसरी थी, आज आप विपक्ष में तो आपकी सोच अलग हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्ता पक्ष का इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला, ये प्रदेश के भविष्य की बात है। उन 48 लाख लोगों के बारे में सोचिए जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम अपने मन से देता है, ये सोच कर देता है कि अब वो इस एग्ज़ाम से उसकी तकदीर बदल सकती है, उसका भविष्य बदल सकता है, वो ये चीज सोच कर एग्ज़ाम देता है। वो ये चीज़ सोच कर नहीं आता है कि मैं इतनी दूर धक्के खा कर जा रहा हूँ, वहाँ पे परेशानी देख रहा हूँ और फिर पेपर दे रहा हूँ, पेपर जब कंप्लीट दे लूँगा फिर पता लगेगा ये पेपर लीक हो गया या कुछ इसमें कमी रह गई है। तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं चाहता। तो अगर कोई सरकार इस काम को अच्छी तरीके से कर रही है तो उसको अच्छे ही रहने दीजिए। आपने तो एक चिंगारी सी फेंक दी अब ये कह करके कि पेपर लीक हो गया। अब सोचिए, ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि अगर एक पेट्रोल ज़मीन में पड़ा हुआ है उसमें आप माचिस की तीली डाल दें तो क्या हाल होगा? बिल्कुल वैसा ही चीज़ है कि 48 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। यासिर शाह जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के अपनी चीज़ों को करना चाहिए, ऐसा ही नहीं कहीं पर मैसेज फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, पोस्ट करते चले जा रहे हैं, ये सब गलत है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप एक जिम्मेदार हैं व्यक्ति हैं, क्योंकि आप एक पद पर हैं, आपके पिताजी एक पद पर थे, आपकी माताजी एक पद पर थी, वो पद ऐसे ही लोगों के पास नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। आप उसी जनता के बीच में जाते हो, उसी जनता को आप तकलीफ दे रहे हो ये बोल के पेपर लीक हो गया, जबकि पेपर कहीं कुछ लीक नहीं हुआ, सभी लोग बोल रहे हैं, प्रशासन सामने आके बोल रहा है। ये अच्छा हुआ कि आपके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करी, आपके ऊपर FIR कर दी, लेकिन ये उनसे गलती हो गई है प्रशासन से, जो आपको जेल में नहीं डाला है। यासिर शाह जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको अंदर करना चाहिए था, और अच्छे से इनको जो भी आवश्यक दंड देना होता, आवश्यक बल प्रयोग जो करना चाहिए पुलिस के द्वारा, वो इनके ऊपर करना चाहिए। जैसे होता है ना कि आवश्यक बल प्रयोग बताया जाता है और फिर डंडे से सुताई होती है, वो चीज़ इनके साथ होनी चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि राजनीति से ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं और हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां राजनीति करनी चाहिए वहां कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इससे पहले भाजपा जब चुनाव लड़ी थी लोकसभा में तो 72 सीटें जीती थी, 73 सीटें अपने अलाइस के साथ में। अरे आप इतने ही अच्छे थे तो इस बार चुनाव जीतते और आप 75 सीटें जीत के दिखा देते कि लो हमने भाजपा के मुंह पे तमाचा मार दिया 75 सीटें जीत के, लेकिन आप तो 37 पे ही रुक गए। किस मुंह से आप कह रहे हो कि आप अच्छे हो? क्या भाजपा ख़त्म हो गई उत्तर प्रदेश से? सेंट्रल में क्या भाजपा की सरकार नहीं है? आप अच्छे तब होते जब मान लेते कि यहाँ भाजपा का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपके तो राजनीति ही उत्तर प्रदेश से है, आप तो पूरे टाइम उत्तर प्रदेश में ही रहते हो, तो क्यों नहीं आप जीत पाते हो? 37 सीटें आपकी जब से पैदा हुई है पार्टी तब से लेकर सबसे ज़्यादा पहली बार जीते हो 37। कोई भाजपा ऐसा नहीं कि बहुत दूर है सीटों से आपसे, इसलिए और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आज भी विधानसभा में ज़बरदस्त मजबूती के साथ योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अगर कोई चीज़ अच्छी वो कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सरकार को उसका क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन
कोई गलत चीज़ मत करिए जिससे जनता में गलत मैसेज चला जाए। जनता के लिए हमेशा चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जनता को आप ये बोलिए कि ठीक है जो भी है अच्छे से चीज़ें होनी चाहिए, आप मनाओ या ना मनाओ, लेकिन एटलीस्ट बोलो तो कम से कम कि हाँ ठीक है अच्छी होनी चाहिए। अपने साइड से गलत चीज़ें मत ना फैलाओ, कोई गलत चीज़ें फैलाने से आपके कोई अच्छी चीज़ नहीं हो जाएगी, आपके ऊपर केस हुआ आप समझोगे जाके, केस लड़ो उसको, अपनी सफाई पेश करो जाकर अब, और कहीं उसमें कहीं कोई अधिकारी ठीक ठाक मिल गया तो आपको अच्छे से नाप भी देगा वो। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ये सब हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे अपने ही बीच के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है इसमें। उनका दर्द हमारा दर्द है, अगर उनका भविष्य खतरे में पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बुरी बात है कि उनका भविष्य खतरे में है, उनका कैरियर खतरे में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए नुकसान है, हमारे देश के लिए नुकसानदेह चीज़ है, ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगले 5 दिन और देखते हैं, अगले 4 दिन कि किस तरह से क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपके लिए अपडेट लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।